हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वन प्लस नॉट टू की। और ये फ़ोन सक्सेसर फ़ोन होने वाला है वन प्लस नॉट का। वन प्लस नॉट टू में बहुत सारे फीचर्स आपको डिफरेंट देखने को मिलने वाले हैं वन प्लस नॉट से। जैसे कि यहाँ पर आपको एक लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है मीडियाटेक की तरफ से, साथ में कैमरे में भी आपको बहुत कुछ डिफरेंट देखने को मिल जाएगा। बहुत से फीचर्स और इन्फॉर्मेशन इस फ़ोन के बारे में लीक्स हो चुकी हैं और उन फीचर्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो यदि आप इस फ़ोन के लिए एक्साइटेड हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा विद बेल आइकन, जिससे हम आपको ऐसी टेक न्यूज़ देते रहें। तो दोस्तों, अगर हम इस फ़ोन की लॉन्चिंग के बारे में बात करें तो इस फ़ोन की एक्सपेक्टेड लॉन्चिंग आपको इंडिया में जुलाई के एंड तक देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं इस फ़ोन के प्रोसेसर को। तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक का एक लेटेस्ट प्रोसेसर देखने को मिल जाता है डायमेंसिटी 1200। 5G कनेक्टिविटी के साथ आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा। साथ में इस फ़ोन में आपको डुअल 5G कनेक्टिविटी का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। 2.4 GHz की क्लॉक स्पीड देखने को मिल जाती है। LPDDR4X RAM और UFS 3.1 देखने को मिलता है। तो इस बार आपको OnePlus Nord 2 में काफ़ी कुछ प्रोसेसर को लेकर अपग्रेड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि OnePlus Nord में आपको Snapdragon का 765G प्रोसेसर देखने को मिला था और इस बार आपको यहाँ पर देखने को मिलता है Dimensity 1200, जो कि काफ़ी पावरफुल और लेटेस्ट प्रोसेसर है। अगर हम रैम और रोम की बात करें तो यहाँ पर आपको 6GB 128GB 8GB 128GB और हाईएस्ट वेरियंट आपको यहाँ पर 12GB 256GB तक देखने को मिलता है। तो प्रोसेसर जो है वो काफ़ी अच्छा है, आपको फोन में काफी अच्छी स्पीड और परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। चलिए हम देखते हैं इस फोन के डिस्प्ले को। तो यहां पर आपको देखने को मिलता है 6.43 इंच का सुपर एमोलेड पैनल डिस्प्ले, साथ में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको यहां पर सिंगल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है, जबकि OnePlus Nord में आपको ड्यूल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिला था। तो OnePlus Nord 2 में डिस्प्ले को लेकर बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं किया गया है। और चलिए देखते हैं हम इस फोन के कैमरे को। तो यहां पर आपको इस बार 4 कैमरों के का 3 कैमरों का सेटअप देखने को मिलता है। बैक में मेन कैमरा आपको 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। सेंसर इसमें आपको सोनी का देखने को मिल जाएगा IMX766। अल्ट्रावाइड कैमरा देखने को मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का, और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। तो फोन में जो कैमरे की क्वालिटी है वो पूरी डिपेंड करती है मेन कैमरे के ऊपर, जो कि प्राइमरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, क्योंकि अदर 2 कैमरेज जो हैं वो 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल, उनमें बहुत बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। फ्रंट में अगर बात करें तो यहां पर आपको सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का। चलिए देखते हैं हम इस फोन के बैटरी को। तो इस बार आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है 4500 mAh की बैटरी, साथ में आपको एक फास्ट चार्जर देखने को मिलता है 65W का। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस फोन में आपको डायमेंसिटी 1200 देखने को मिल जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, एक पावर सेविंग प्रोसेसर है, मतलब आपको ये पावर इफिशियंट प्रोसेसर देखने को मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ पर बैटरी का बैकअप जो है वो काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करें अगर हम कुछ अदर फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको स्टूडियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ऑक्सीजन OS और एंड्रॉइड 11 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। साथ में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है, और हर बार की तरह साइड में आपको एक स्लाइड बार देखने को मिल जाता है। अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें इस फोन की, तो यहाँ पर आपको एक अच्छा प्रोसेसर मतलब डायमेंसिटी 1200 देखने को मिलता है। इस फोन में आपको 5G कनेक्टिविटी अच्छी देखने को मिल जाती है। पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, यहाँ पर आप डिफरेंट टाइप के गेम्स खेल सकते हैं, मल्टीपल टास्किंग कर सकते हैं इस प्रोसेसर में। अच्छी बात यह है कि इस फोन की जो प्राइसिंग है वो भी आपको मिड रेंज सेगमेंट में देखने को मिल जाती है। अगर हम इस फोन की एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की बात करें तो ये फोन आपको 25,000 से 30,000 के रेंज में देखने को मिल जाएगा। फोन में आपको काफी डिफरेंट और अमेजिंग फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। यदि आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हैं या फिर आप इस फोन को लेना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। इसकी एक्सपेक्टेड लॉन्चिंग जो है इंडिया में जुलाई तक देखने को मिल जाएगी आपको। तो गाइज, ये कुछ कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रही इस फोन के बारे में, और कमेंट सेक्शन में आप नीचे जरूर बताइएगा कि आपको ये फोन की स्पेसिफिकेशन कैसी लगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए विद बेल आइकन। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।